आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A metallic element crystallizes into a lattice containing sequence of layers of ABAB. Any packing of spheres leaves out voids in the lattice. What percentage of volume of this lattice is the empty space? ठीक है, तो basically आपको पहले तो packing efficiency चाहिए ABAB की। Packing efficiency आ जाएगी 100 से minus कर देंगे तो empty space हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ABAB type packing का मतलब क्या होता है? ABAB type packing means hexagonal closed packed structure है ये। ठीक है, तो मान लो कि जो radius है आपका हर sphere का वो क्या है? R है। ठीक है, तो volume क्या हो जाएगी? Area into the height। ठीक है, अब base area क्या होगा? Base area अगर हम बात करें जो कि हम A से define कर रहे हैं, वो क्या होगा? एरिया ऑफ सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विच इज 6 इंटू रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर होता है, वेयर ए इज द साइड, एंड 6 का 6 इंटू रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर होगा। ठीक है, और आपकी हाइट क्या होगी? दैट विल बी 2 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोज पैक लेयर्स, और दो क्लोज पैक लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अंडर रूट 2 बाय 3 ए होता है, तो ये आपकी हाइट आ गई। ठीक है, अब ठीक है, तो अगर हम अब इसके बाद देखें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपकी क्या आ जाएगी, ये 6 इंटू रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर। ठीक है, और हाइट हमारी क्या है? 2 इंटू अंडर रूट 2 बाय 3 ए, तो ये कितना आ जाएगा? 3 अंडर रूट 2 ए क्यूब। तो अगर हम ए की वैल्यू 2r पुट कर दें, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका? 3 रूट 2 2R का क्यूब, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 24 अंडर रूट 2R क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है आपके पास? इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी यूनिट सेल कितने होंगे? देखो आपके पास 12 एटम्स होते हैं अंदर कॉर्नर, और हर कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 होता है HCP में। ठीक है, प्लस दो फेस सेंटर्स हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होगा, देन 3 एटम्स बॉडी सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो गए आपके? 6। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 6 स्फेयर्स कितना आ जाएगा? 6 स्फेयर्स का वॉल्यूम कितना होगा? 6 इंटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आपको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे ना, मतलब ये पैकिंग फ्रैक्शन, तो वो क्या होगा आपका? ये जो है 6 इंटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आपका है 24 अंडर रूट 2 आर क्यूब। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.74, परसेंटेज में कर लोगे तो 74%। ठीक है, और लेकिन आपको क्या निकालना था? एम्प्टी स्पेस निकालना था, दैट विल बी 100 माइनस 74, मतलब 26% जो है वो एम्प्टी स्पेस होगा। दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।